हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये टॉपिक गेट और आईएएस इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि इसरो, बीएआरसी, सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो आज शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, शुरू करते हैं रेफ्रिजरेशन से। सो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में सबसे पहले काम आती है रेफ्रिजरेशन। सो रेफ्रिजरेशन है क्या, ये हम देखते हैं। सो हम सबसे पहले जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, तो होता क्या है वैसे कि रिमूव हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर स्पेस एंड थ्रो इट इनटू हाई टेम्परेचर स्पेस। मतलब अगर ये कोई स्पेस है जिसका टेम्परेचर T1 है और ये स्पेस है, अगर हम सराउंडिंग भी इसे बोल सकते हैं, तो ये टेम्परेचर T2 है। वैसे T2 इज ग्रेटर देन T1, मींस ये कोल्ड बॉडी है और ये हॉट बॉडी है। तो कोल्ड बॉडी में से हीट हॉट बॉडी में थ्रो करना है, ये प्रोसेस को कहते हैं हम रेफ्रिजरेशन। एंड जो मशीन ये रेफ्रिजरेशन प्रिंसिपल पे काम करता है उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, जो हम डोमेस्टिक यूज में यूज करते हैं और काफी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज होता है। सो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन क्या है, कि रिमूव हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी एंड थ्रू इट इनटू हाई टेम्परेचर बॉडी, दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेशन। अभी रेफ्रिजरेशन की हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन आता कहाँ से है। सो हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम थोड़ा बेसिक चीज इधर सीख लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और बेसिक कंसेप्ट जो रेफ्रिजरेशन पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। सो बेसिक्स में हम जाते हैं सबसे पहले टेम्परेचर से, क्योंकि रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन में ही हमने देखा कि इट इज प्रोसेस टू रिमूव हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी एंड थ्रू इट इनटू हाई टेम्परेचर बॉडी। सो यहां इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम सबको पता होगा कि टेम्परेचर होता क्या है। सो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, सो इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसे बोलते हैं हम टेम्परेचर। उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। सो किसी भी चीज ठंडी है या गर्म हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका टेम्परेचर जान के हमें पता चलेगा। तो टेम्परेचर का, ये टेम्परेचर की डेफिनेशन हो गई। अभी ये साइंस है, ये फिजिक्स है, तो किसी भी चीज़ के पीछे उसका यूनिट होना चाहिए। विदाउट यूनिट कोई सी भी क्वांटिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते और हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि 50, तो 50 मीन्स व्हाट, तो उसके पीछे मुझे यूनिट अगर पता होगा कि 50 डिग्री सेल्सियस या 50 फ़ारेनहाइट या 50 केल्विन, अगर 50 केजी, तो मुझे पता चलेगा कि ये मास की बात कर रहा है और ये तीनों टर्म यूनिट मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सो मुझे टेम्परेचर की यूनिट के बारे में जानना है, तो टेम्परेचर का यूनिट कौन कौन सा है, तो टेम्परेचर का यूनिट है सबसे पहले केल्विन। केल्विन इट इज इंटरनेशनल यूज होता है केल्विन, और केल्विन दूसरा होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, जो हम नॉर्मल जगह पे यूज करते हैं वेदर टेम्परेचर के लिए, और कहीं जगह पे हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सेल्सियस। और सेल्सियस और केल्विन के बीच में डिफरेंस क्या है और उनका रिलेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, उसका रिलेशन हो गया। मींस मेरा जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में है उसमें 273.15 अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा बन जाता है केल्विन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे देखेंगे। सो केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस 20, सो केल्विन में कितना हो गया,
293.15 केल्विन। तो सबसे पहले ये केल्विन और सेल्सियस का हमने रिलेशन देख लिया। तीसरा यूनिट है टेम्परेचर का, जो कि है फ़ारेनहाइट, उसे हम कैपिटल एफ की टर्म में डिनोट करते हैं। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक बार रिलेशन देख लेते हैं। देयर इज अ बेसिक कन्वर्सेशन बिटवीन द यूनिट्स, सो आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या सेल्सियस होता है, क्या केल्विन होता है, क्या फ़ारेनहाइट होता है। ओके, सो फ़ारेनहाइट यूनिट इज इक्वल्स टू 32 प्लस 9/5 इंटू सेल्सियस। सो इसी टर्म में मुझे सेल्सियस में से मुझे फ़ारेनहाइट मिल सकता है। अगर मैं एग्जांपल की तरह बात करूं, अगर मैं सेल्सियस की बात करता हूं 20 डिग्री सेल्सियस, अगर मुझे उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 32 प्लस 9/5 इंटू 4 इंटू 20 सॉरी। सो हो जाता है 32 प्लस 36 68 फ़ारेनहाइट। ओके, सो ये हो गया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन। सो यहां हमने देखा कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का यूनिट्स कौन कौन से है और हम कौन कौन से यूनिट यूज करते हैं। तो अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड SI की बात कर रहा हूं तो SI में जनरली केल्विन में यूज होता है। अगर मैं MKS सिस्टम की बात करूं उसमें केल्विन ज्यादातर यूज होता है। तो कोई सी भी जगह पे जहां पे मुझे हीट फ्लो दिखाना है तो वहां मुझे केल्विन का यूज करना होगा। ओके, सेकंड आता है दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है? तो प्रेशर मींस फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया बट कौन सा यूनिट एरिया? दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट फोर्स। ये प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। सपोज ये मैं एक बॉडी की बात कर रहा हूं, दिस इज एक रेक्टेंगल बॉडी और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, ओनली परपेंडिकुलर फोर्स। और इसका अगर यूनिट एरिया है कैपिटल ए। ओके, सो प्रेशर का हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो प्रेशर मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल की तरह भी बोल सकते हैं। पास्कल मींस 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक वो जनरली बार में होता है। सो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 10^1 bar। अगर हम बार की बात कर दें, दूसरा एक यूनिट है बार, तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10^5 पास्कल। सो 1 lakh pascal इज इक्वल्स टू 1 bar। सो इसी तरह हर एक यूनिट जनरली यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में। ओके, तो हमने टेम्परेचर देख लिया, हमने प्रेशर देख लिया। हम आगे जाते हैं अनदर क्वांटिटी की तरफ। वो होती है डेंसिटी। अभी डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑक्यूपाइड बाय यूनिट वॉल्यूम। सो मास जनरली होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। और वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस क्वांटिटी मैटर, उसे बोलते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम जनरली 3 dimension में होता है, उसका यूनिट मीटर क्यूब में होता है और मास का यूनिट जनरली केजी में होता है। तो डेंसिटी का यूनिट उसे हम रो की तरह डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो होता है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टीज है डेंसिटी। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो भी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स और रेफ्रिजरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, बट हम आगे जाके देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी हम देखेंगे
वो है हीट। अभी रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन में हमने देखा, क्या देखा, कि हीट रिमूव फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी, सो वहां पे वर्ड आया हीट। तो हीट क्या है? हीट होता है एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहां पे जो एनर्जी का फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं हीट। ओके क्लियर। सो ये टेम्परेचर है T1, ये कोई बॉडी का, ये टेम्परेचर है T2। यहां की अगर मैं बात करूं तो T1 इज हायर देन T2, सो हीट फ्लो कहां से कहां होगा? इक्विलिब्रियम लॉ के तहत T1 से T2 की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, और हीट मींस एनर्जी ट्रांसफर, T1 से T2 होगा उसे हम बोलते हैं हीट। ओके सो हीट बेसिकली कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नोन एज सेंसिबल हीट, और सेकेंड होती है लेटेंट हीट। अभी सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या फर्क है? तो हम देखते हैं कि सेंसिबल हीट मींस जो हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो सकती है, ये भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं होगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, और सेंसिबल हीट में फेज चेंज नहीं होता। एक बार हम वो भी देख लेते हैं। सो सेंसिबल हीट में क्या होगा? जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा बट फेज चेंज नहीं होगा उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो वो हीट को बोलूंगा मैं सेंसिबल हीट। ओके और बाकी की हीट को बोलूंगा मैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मींस व्हाट? कि जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ फेज चेंज होता है। फेज चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं सेंसिबल हीट, कि जो अंदर छुपी हुई हीट होती है जो हमें दिखती नहीं है बट जिसके कारण फेज चेंज हो जाता है उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, सॉरी लेटेंट हीट, और जिसके कारण हीट फ्लो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। ओके सो थोड़ा हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या हो, कैसे होता है सेंसिबल हीट और कैसे होता है लेटेंट हीट। हम पानी का एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक पानी है जो हम एटमोस्फियर टेम्परेचर पे सपोज वो 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी पड़ा है, अभी उसको मुझे बॉइल करना है। सो बॉइल, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? दैट इज ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके सो अगर मैं चार्ट देखूं, ये टेम्परेचर है और ये हीट है। ओके तो ये यहां पे कहीं 30 डिग्री टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री है, और यहां पे 100 डिग्री मेंशन कर रहा हूं। सो ये 30 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ही मुझे पानी को बॉईल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पे हीट में एंथैल्पी ले लेता हूँ, वो ज्यादा क्लियर होगा। एंथैल्पी क्या है वो हम आगे देखेंगे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम देख लेते हैं एंथैल्पी और टेम्परेचर का रिलेशन। सो अगर मैं हीट बढ़ाता जाऊंगा, मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, वैसे क्या होगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा। ओके सो ये होता है सेंसिबल हीट। फिर 100 डिग्री पे वो पानी बॉइल होता है, और फिर जाके 101 डिग्री पे वो स्टीम में होना या वेपर में होना, सुपर हीटेड वेपर में होना कन्वर्ट शुरू हो जाता है। तो ये 100 डिग्री की लाइन है, और 100 डिग्री पे सो ये हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट, और ये हीट को हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। ओके तो सेंसिबल और लेटेंट हीट का एक बार हम इक्वेशन देख लेते हैं, क्या होता है सेंसिबल हीट का इक्वेशन? सेंसिबल हीट दैट इज क्यू, दोनों हीट क्यू की तरह ही डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, दैट इज मास स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं हीट। कौन सा हीट? बोले सेंसिबल हीट, और टेम्परेचर हीट के कारण नहीं होता है तो उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट माने क्यू, क्यू होता क्या है, मास तो आता ही आता है, और आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
हर एक चीज की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फिक्स होती है। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 22.57 किलो जूल पर केजी। ओके, सो ये हो गया पानी की लेटेंट हीट। अगर पानी से बर्फ बन रहा है तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, जो हम रेफ्रिजरेशन में यूज करने वाले हैं। तो ये दोनों हीट मिलके, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट मिलके बन जाती है टोटल हीट। किसी भी चीज को मुझे फेस चेंज करना है तो यहाँ पे ये हीट काम में आती है। ओके, सो यहाँ हमारा हीट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो हम देखते हैं अनदर टर्म्स दैट इज नोन एज एंथैल्पी। एंथैल्पी है क्या? एंथैल्पी डिनोटेड बाय कैपिटल एच, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। उसे हम एच इज इक्वल्स टू यू प्लस टू वी को हम एंथैल्पी बताते हैं। ये इंटरनल एनर्जी है और ये फ्लो वर्क है। ओके, और लास्ट हम देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। वैसे एंट्रोपी बड़ा वास्ट टॉपिक है और काफी डीप में हम जा सकते हैं, पर वो हम थर्मोडायनेमिक्स के हमारा लेक्चर में देखेंगे कि एंट्रोपी है क्या। ओके, एंट्रोपी मींस मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस की मेजरमेंट मुझे एंट्रोपी से पता चलती है, और एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर में जैसे ही चेंज आता है, एंट्रोपी में चेंज आ जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई जो रेफ्रिजरेशन पढ़ने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। सो एक बार हम क्विक रिवाइज कर देते हैं जो जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़े हैं वो। सबसे पहले हमने देखा टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है? दैट इज हाउ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। प्रेशर का यूनिट कौन कौन सा होता है? पास्कल, दैट इज आल्सो नोन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आल्सो हमने देखा बार। देन प्रेशर के बाद हमने देखा डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं और उसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। उसके बाद हमने देखा हीट। हीट क्या होता है? कि एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो होता है उसे हम हीट बोलते हैं। हीट में हमने दो देखा, एक तो सेंसिबल हीट देखी, एक हमने लेटेंट हीट देखी। सेंसिबल हीट क्या होती है? तो जो हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है उसे हम सेंसिबल हीट बोलते हैं, और जिसमें फेज चेंज होता नहीं है, मीन सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस नहीं होता है। और लेटेंट हीट क्या होती है? कि जिससे सिर्फ जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सिर्फ फेज चेंज होता है। मीन 100 डिग्री पे पानी में से 100 डिग्री में स्टीम बनती है, वेपर बनती है, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये हो गया हीट। फिर हमने देखा एंथैल्पी। और लास्ट में देखा हमने एंट्रोपी। ओके, तो ये सारी टर्म्स बेसिक से रेफ्रिजरेशन पढ़ने के लिए। अभी हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो रेफ्रिजरेशन के लिए यूजफुल है। डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरव्यू में देखेंगे। फिर हम जाएंगे रेफ्रिजरेशन में, जहां हम देखेंगे COPs ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो ये हमारा पहला चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन है पार्ट, वो हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो सी यू गाइस, हम मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।